1978 से 1981 की कहानी। 1978 से 1981 तक कहां था रॉकी? क्या क्लाइमैक्स में होगी सालार और फरमान की एंट्री? क्या आर्मी रडार में आ जाएगी सबमरीन्स? हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी केजीएफ के दोनों पार्ट्स को ना देखा हो। और अब ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बहुत जल्द आप सभी को केजीएफ का अगला चैप्टर सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर केजीएफ चैप्टर 2 की इतनी मैसिव हिट के बाद डायरेक्टर प्रशांत नील केजीएफ का अगला चैप्टर लाने से खुद को कैसे रोक सकते हैं? और उन्होंने अगर ऐसा सोचा भी तो केजीएफ सीरीज की फैन फॉलोइंग उन्हें ऐसा करने नहीं देगी। तो केजीएफ चैप्टर 2 में काफी सारे सवाल थे जिनका जवाब हमें केजीएफ के आने वाले चैप्टर में मिलेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम लेकर आए हैं केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी, जो कि आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। केजीएफ चैप्टर 3 की शुरुआत चैप्टर 2 के एंड से होने वाली है। आपने देखा था कि फिल्म के एंड में रॉकी भाई समंदर में डूब जाते हैं, यहीं से इस नए चैप्टर की शुरुआत होगी। आप सभी को लगा था कि रॉकी भाई समंदर में डूब कर मर जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रॉकी भाई को बचाने के लिए अमेरिका के सबमरीन नीचे समंदर में उनका इंतजार कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि रॉकी भाई की ये मौत एक प्लान एक्शन था। जैसे ही रॉकी भाई डूबते हैं, अमेरिका से आई सबमरीन उन्हें बचा लेती है। ये सबमरीन और किसी की नहीं बल्कि अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन जिमी कार्टर की होती है। आप सबने केजीएफ के चैप्टर 2 में जिमी कार्टर को देखा होगा। इनकी एक छोटी सी झलक पहले ही दिखाई जा चुकी है। मेकर्स फिल्म के चैप्टर को आस पास में जोड़ने के लिए पहले ही जिमी कार्टर को इस सीरीज में एड कर चुके हैं। और अब पार्ट 3 में जिमी कार्टर एक अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। तो जिमी कार्टर रॉकी भाई को अपने साथ अमेरिका लेकर जाता है। चैप्टर 2 में ही रॉकी भाई ने जिमी कार्टर से अच्छी दोस्ती कर ली थी। जिमी कार्टर ने अपनी सबमरीन में से ऐसी चिप लगा दी थी कि वो सबमरीन वहां मौजूद इंडियन नेवी, यूएस नेवी और इंडोनेशिया नेवी के रडार में नहीं आ पाती, और इसीलिए जिमी कार्टर रॉकी को लेकर वहां से निकल जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में चलती है कि इधर जब केजीएफ रॉकी भाई का हो जाता है और केजीएफ के लोग भी उसकी मुरीद हो जाते हैं, तो रॉकी उनसे छुप के 16 देशों में क्राइम करने लगता है। वो दूसरे देशों के पैसे को भी इसी तरह इंडिया लाकर केजीएफ के लोगों की खुशहाली में लगाना चाहता है। जिसके बाद रॉकी केजीएफ के कुछ आदमियों के साथ यूएस जाता है, रॉयल मिंट ऑफ यूएस को हाईजैक कर लेता है, जहां पर उसके गवर्नर भी मौजूद थे। रॉकी गवर्नर को किडनैप करता है और उनको जान से मार देने की धमकी देता है, जिसका रिजल्ट में वहां मौजूद सभी गार्ड्स अपने बंदूकें फेंक देते हैं और वो सारा पैसा लेकर सुरंग के जरिए वहां से निकल जाता है। इसी बीच यूएस गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के लिए कुछ इंटरनेशनल मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रही थी। वो उन सारी मेडिसिन को नेवी शिप्स के जरिए इंडिया पहुंचाने वाले थे कि तभी प्लान के अकॉर्डिंग रॉकी और उसके आदमी बैंक से कलेक्ट किए हुए सारे पैसे और सोने के बैग्स को यूएस नेवी के शिप के नीचे छिपा देते हैं। इस बात से अनजान यूएस नेवी जैसे ही इंडिया के लिए रवाना होती है, रॉकी और उनके आदमी भी अलग अलग प्लेन से अपना भेष बदल कर इंडिया चले जाते हैं। इधर यूएस नेवी की शिप को इंडिया पहुंचते हुए रात हो जाती है। जब लोग शिप के ऊपर मेडिसिन उतरवा रहे थे तो रॉकी के आदमी सारे पैसे और सोने के बैग नीचे से निकाल लेते हैं और तैरते हुए उसे लेकर केजीएफ चले जाते हैं। और यहीं पर फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। वैसे मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि अब रॉकी इंडिया वापस जा रहा है और उसका सामना इंडियन गवर्नमेंट से एक बार फिर से होने वाला है, तो इस सिचुएशन में केजीएफ का चौथा चैप्टर भी मुमकिन है। आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। साथ ही हमारे पास एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाएं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।